तो स्वागत है दोस्तों फिर से हमारे इस चैनल पे एक नए वीडियो से। आज हम आपसे बताएंगे मैदान फिल्म के अपने लगभग 40 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ में आपको बताने फिल्म मैदान के 40 दिनों का वर्ल्ड वाइड पे कलेक्शन कितना हो चुका है। इस वीडियो के आखिरी तक बने रहे, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आपको बता दें बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था अली अब्बास जफर ने, ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जिस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जैकी बगानी, वसु बगानी, दीपिक्षा देशमुख, अली अब्बास जफर और हिमांशु कृष्णा मेहर ने। फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, उनके साथ में देखेंगे टाइगर श्रॉफ और मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमार और मुंशी चिल्लर, आर्या एप, सोनाक्षी सिन्हा और रोनित बोस रॉय। फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए का था, लेकिन फिल्म की रिकवरी अपने रिलीज होने से पहले लगभग 218 करोड़ रुपए कर लिया था। फिल्म की अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो उससे पहले आपको बता दें फिल्म को 5 भाषाओं के अंदर पूरी दुनिया भर में रिलीज किया था, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया से जो नेट कलेक्शन किया था लगभग 15 करोड़ 65 लाख रुपये का था, तो दूसरे दिन कमाए थे लगभग 7 करोड़ 6 लाख रुपये, तीसरे दिन कमाई की थी 8 करोड़ 50 लाख रुपये, चौथे दिन कमाई की थी 9 करोड़ 5 लाख रुपये। फिल्म के अपने पहले वीकेंड का जो कलेक्शन था लगभग 38 करोड़ 50 लाख रुपये था, पहले हफ्ते कमाए थे 49 करोड़ 90 लाख रुपये, दूसरे हफ्ते 8 करोड़ 60 लाख रुपये, तीसरे हफ्ते कमाई की थी 3 करोड़ 90 लाख रुपये, चौथे हफ्ते कमाई की 2 करोड़ 35 लाख रुपये। इसी के साथ फिल्म के अपने 40 दिन अब कंप्लीट हो चुके हैं। फिल्म के 40 दिनों का ऑल ओवर इंडिया से जो नेट कलेक्शन हो चुका अभी तक का वो लगभग 73 करोड़ 20 लाख रुपये इंडिया से नेट, तो फिल्म का ग्रोस कलेक्शन लगभग 86 करोड़ 30 लाख रुपये हो चुका है अभी तक का। फिल्म ने अभी तक वर्ल्ड वाइड के मार्केट से लगभग 136 करोड़ 13 लाख रुपया कलेक्शन कर लिया है। तो ये आपने अभी तक मैदान फिल्म को, अरे बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म को देखा है कि नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्त।